हार्दिक भाई तू ऐसे काम क्यों करता है जिससे मेरे ऊपर प्रेशर आ जाए? पहले ही कप्तानी का प्रेशर कम है क्या? भाई आपको तो मेरी तारीफ करना चाहिए क्योंकि मैं बाप बनने वाला हूँ। लेकिन बाप बनने के लिए जो पाप किए उसका क्या? आखिर आदमी करेगा भी क्या भाई, बाप बनने के लिए अगर पाप करना छोड़ेगा तो जिंदगी आगे कैसी बढ़ेगी चीको भाई। मानना पड़ेगा हार्दिक, सही खेलिया मैं स्टॉक। ये मेरी लाइन क्यों चुराता है? चुराए नहीं, वो कल बेस्टो का बर्थडे था ना, इसलिए उसे याद कर रहा था। अच्छा ऐसी बात है क्या? मुझे लगा मेरी गाली देने की स्टाइल चुरा रहा है। मुझे तो हार्दिक के बाप बनने की स्टाइल पसंद आई। थैंक्स माही भाई, आप ही तो जो मेरा ख्याल रखते हो, मैं जैसा करता हूँ वैसा मुझे करने देते हो। भाई तू करता ही नहीं तो बाप कैसे बनता? भाई तो मुझे बता इतने जल्दी बाप कैसे बन गया तू? भाई वो सब कुछ अपने आप हो गया। लेकिन कैसे? वो तो सिर्फ धोनी भाई और रोहित भाई समझ सकते हैं यार। क्यों उनको क्यों, मुझे क्यों नहीं समझेगा? रहने दो ना भाई, कुछ और बातें करते हैं। वैसे भी मैं अकेला नहीं हूँ जो इस लॉकडाउन में बाप बनने के लिए पाप कर रहा हूँ। लेकिन जब भी कोई बाप बनता है तो लोग मुझे क्यों ट्रोल करते हैं? मुझे पता नहीं भाई, आप भी जल्दी खुशखबर दे दो, टेंशन खत्म हो जाएगा। इस 2020 में सिर्फ तूने ही खुशखबर सुनाई है। हाँ भाई कुछ तो करना ही था और मैंने करके दिखा दिया। कम से कम अब तो पार्टी दे भाई। अब कैसे पार्टी दूंगा, लॉकडाउन तो खत्म होने दो भाई। हार्दिक भाई चहल टीवी में आपका स्वागत है। हाँ भाई चहल पूछ, जो पूछना है पूछ। कैसा लग रहा है बाप बनने से पहले? बहुत अच्छा लग रहा है, जिंदगी में इतनी खुशी कभी नहीं मिली भाई। कैसे कर लिया इतना बड़ा कारनामा? तू शादी करेगा तो पता चल जाएगा भाई। हाँ समझ गया समझ गया, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो। यार ये टिकटॉक वीडियो बना बना के बदी मारी गई इसकी, कुछ भी बताता है। लेकिन हार्दिक भाई इतनी भी क्या जल्दी थी, तू थोड़ी देर और ठहर जा वाला गाना सुन सुन के थोड़ी देर और ठहर जाते ना। भाई थोड़ी देर और ठहर जा वाला गाना मैं सिर्फ टॉयलेट में गाता हूँ जब कुणाल बाहर खड़ा रहता है तब। कुणाल कौन, कामरा? नहीं रे मेरा भाई। ओ सॉरी मुझे लगा कामरा, टट्टी की बात आई तो उसकी याद आती है मुझे। लगता है मुझे मेरे भाई का भी नाम चेंज करना पड़ेगा अभी, उसकी वजह से मेरा भाई का भी नाम बदनाम हो रहा है। काश मेरी भी शादी लॉकडाउन में हो जाती भाई। तो करा क्यों नहीं भाई, पैसे बच जाते, सस्ते में निपट जाता। मैं तो कब से चहल के शादी का वेट कर रहा हूँ, पता नहीं कब करेगा ये शादी। भाई आप मेरे सुलोचना को नहीं जानते, वो इतने जल्दी शादी नहीं करेगी। शादी करना आसान है, जल्दी बाप बनना मुश्किल है। इतना भी मुश्किल नहीं है भाई। हाँ भाई सब आसान है, संदीप महेश्वरी कहते हैं ना। लेकिन कोहली कब बाप बनेगा? पाताल लोक में जाके छुप जाता हूँ, कम से कम ऐसे सवाल तो नहीं उठेगा। जब भी कोई बाप बनेगा सवाल तो उठेंगे भाई, और सबसे पहले तुझे टारगेट करेंगे। करने दो, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। भाई मैं सोच रहा हूँ जल्दी से शादी कर लूँ और आपसे पहले बाप बन जाऊँ। इससे क्या होगा? इससे मुझे आपसे ज्यादा सेंचुरी मारने वाली खुशी मिलेगी। और फिर तुझे बेसन के लड्डू खाना पड़ेगा, वो भी अनुष्का के हाथों से बनाए हुए। नहीं भाई भाई मैं आराम से बाप बनूंगा भाई, आप पहले बन जाओ, चलेगा? वैसे हार्दिक भाई आगे का क्या प्लान है? कुछ नहीं भाई, अब स्पीड ब्रेकर जो है उसे बढ़ते हुए देखना है। चलो भाई अब रखता हूँ, पबजी मोबाइल का एडवर्टाइजमेंट करना है। क्या बात है, बहुत पैसे कमा रहे भाई। अब बाल बच्चे वाला होने वाला हो भाई, पैसे तो कमाना पड़ेगा ना। हाँ भाई कर ले। बस अब अगली बार बाप बनने का प्लान करेगा तो पहले मुझे बताना, ताकि मैं भी अपनी गाड़ी का पहला गियर डाल सकूं। और पहले किक मार के गाड़ी तो शुरू कर दे। मुन्ना लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, हमसे जुड़े रहने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में।